11 जून गांव रमईहार के पास एक व्यक्ति की दो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मृतक नंद किशोर का शव मक्के के खेत की फेसिंग पर लटका मिला था। परिजनों ने गांव के ही दो लोगों राकेश व दिवाकर को नामजद कराते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की तफ्तीश चालू हुई तो पुलिस ने हर एंगल पर पड़ताल की, नामजद अभियुक्तों से सघन पूछताछ हुई, पर मामला काफी पेचीदा होने के कारण अपेक्षित परिणाम न निकल सका। तफ्तीश चालू होने के कुछ ही दिन बाद मृतक की पुत्री अंजलि और गांव के ही एक युवक सोनू और सुनील के बीच प्रेम संबंधों की बात मुखबिरों द्वारा पता चली तो घटना में एक नया ट्विस्ट आ गया। लड़की के प्रेमी सोनू और सुनील से जब पूछताछ हुई तो शुरू में वह पुलिस पर ही गुर्राने लगा, लेकिन सोनू बार बार अपना बयान बदल रहा था। इस पर पुलिस का शक गहराता चला गया और जब पुलिस ने हिमकत अमली से पूछताछ शुरू की तो घटना प्याज के छिलके की तरह परत पर परत खुलती चली गई। सोनू ने अपने जुर्म को कबूल किया और रोते बिलखते हुए पुलिस को बताया कि मृतक नंद किशोर को उसके प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी हो गई थी, जिस कारण उसने अंजलि पर शक्ति करते हुए उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। गांव के ही शार्प शूटर ब्रह्मपाल को 50,000 रुपया देकर उसका मर्डर प्लान करवा दिया और उसकी हत्या करा दी। घटना में दोनों तमंचों को प्राइमरी स्कूल के पीछे खेत में छुपा दिया गया था। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा न केवल शूटर ब्रह्मपाल को गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि दोनों असलाहों को रमईहार गांव वालों की मौजूदगी में उनके सामने सोनू और ब्रह्मपाल की निशानदेही पर प्राइमरी स्कूल के पीछे वाले खेत से बरामद कर लिया गया। यह प्रकरण थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी का है। बीते 11 जून को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक नंद किशोर नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था और गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी। दो नामजद अभियुक्त थे, लेकिन पूरी तफ्तीश के दौरान दोनों नामजद अभियुक्तों की नामजदगी झूठी पाई गई और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इसमें एक सोनू नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। जानकारी मिली कि इस सोनू नामक युवक के मृतक की पुत्री से प्रेम संबंध थे, जिसको मृतक ने देख लिया था और मोबाइल इत्यादि पकड़ लिया था। तब से सोनू और उसकी प्रेमिका के बीच में मिलना जुलना बंद हो गया था। इसी से सोनू काफ़ी खफा था। और यही नहीं, सोनू का कहना है कि मृतक ने उसकी पुत्री की शादी दूसरी जगह तय कर दी थी और यह कहा था कि पुत्री की शादी होने के बाद उसे जान से मार देगा। इस पे बदला लेने के लिए सोनू ने पूरा प्लान रचा और एक शूटर जिसको 50,000 रुपये में तय किया, उस शूटर की मदद से 10 जून की रात 10 बजे के आसपास इसने मृतक नंद किशोर को दो गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पे मौत हो गई थी। आज पुलिस टीम ने इस खुलासे को करते हुए इन दोनों मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम कर रही है। एक व्यक्ति जिसने कारतूस सप्लाई किया था, उसका नाम संतोष सामने आया है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। इस उम्दा काम के लिए कोतवाली पुलिस टीम, सर्विलांस टीम और स्वाट टीम को 25,000 रुपये का नकद इनाम प्रदान किया जा रहा है। न्यूज चैनल के शुभारम्भ इस बेला मैं भी लाइव न्यूज चैनल के भविष्य की कामना करता हूँ। चैनल यहाँ उन सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ।